राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की हुई है कला के क्षेत्र में, और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है जो कि आज हम उनसे मुखातिब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश विश्वकर्मा जी। और बहुत 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 धन्यवाद। इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, इतनी क्रिएटिविटी और इतने अवार्ड, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं जाते हैं तो और लोगों को अपने काम के, अपने काम से, अपने वर्क से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। उनसे पहली बार में ही आप इतने शक्तिशाली रूप से प्रभाव डालते हैं कि वो मतलब बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जी जी हाँ, आपके लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है। अगर आसान होती इतनी कामयाबी तो हर शख्स कलाकार होता, पर हुनर उस समय उनकी नहीं होती और ना कोई इतना बड़ा कलाकार होता। जी, ये आपके लिए था। और अविनाश जी, आप इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं जो बहुत बड़ी बात है, आपका ये सफर कैसा रहा, कुछ बताएं। जी, सफर तो 2018 से ही स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं ये बहुत ही आर्ट के मामले में मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अच्छा। यहाँ आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो फिर आपने खुद से मेहनत की? जी, हमारा काम जी हाँ कहिए प्लीज कहिए। हमारा काम फर्नीचर से स्टार्ट होता था। पहले हम लोग यूनिक फर्नीचर बनाते थे, उसके बाद अचानक से हमें लगा कि हमें कुछ आर्ट में भी ट्राई करना चाहिए, स्टेपल से बनाना, कलर से बनाना। हमने देखा ये सब, और फिर आगे हमने देखा। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कास्ट का काम किया, कास्ट का फर्नीचर बनाया, टॉयज बनाए आपने शुरुआत में? तो जब जैसे कि 12th में जब थे तब से शुरुआत है हमारी ये इस काम के प्रति। और शुरुआत में जैसे मेले वगैरह लगते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें टॉयज वगैरह बेचा करते थे। हाँ। उससे जो रुपया आता था उसे नई नई चीजों में बनाने में या एक्सपेरिमेंट करने में खर्च कर देते थे। तो शुरुआत में तो कठिनाई आती है, लकड़ियों का काम वैसे भी बहुत कठिन रहता है। और वैसे भी हमने आपकी कलाकृतियों में देखा कि तकनीकी और विज्ञान दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बचपन से ही वैज्ञानिक बनने की चाह रही है, तो कहीं ना कहीं आर्ट, कहीं ना कहीं अपनी आर्ट में और तकनीकी ज्ञान और विज्ञान हम उसमें समाहित कर ही देते हैं। अच्छा, और वैसे भी आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। अविनाश जी, एक प्रश्न और आपसे, आपने इतना कठिन काम कैसे शुरू किया? लोग तो, जितने भी आर्टिस्ट हैं कहना चाहिए, वो तो चारकोल पेंटिंग, पोस्टर कलर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, इनसे ही पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, लेकिन आपकी कलाकृति बड़ी कठिन है। इतना कठिन आपने कैसे काम शुरू कर दिया? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सभी आर्टिस्ट से जो नए कलाकार हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं जो सीख रहे हैं और जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और उनके लिए एक बात कहूँगा कि जैसे कि हम लोग कई बार किसी चीज़ को हासिल ना कर पाने की वजह सिर्फ ये कहकर टाल देते हैं कि हमको संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप हम संसाधन का रोना रोएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन की बिल्कुल ही कमी थी, मतलब आर्ट के क्षेत्र में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अगर कलर ब्रश भी लेने जाओ तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कानपुर या झांसी जाना पड़ता है। जी, तो हमने शुरुआत की थी अपने लकड़ी के काम से ही। पहले लकड़ी का पोर्ट्रेट बनाया, और फिर लकड़ी में कीलों का यूज होता है, तो उसमें कील ठोक के बनाया,
फिर स्टेपलर का भी उपयोग होता है, तो स्टेपल से भी पोर्ट्रेट बनाए हमने और मलेशिया तक भिजवाए हमने स्टेपल के पोर्ट्रेट। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और हमने ये सीखा स्टेपल पिन से आपने किया, कील का प्रयोग करते हैं, सूर्य किरण का प्रयोग करते हैं, तो ये तो बहुत तारीफ करने लायक बात है। और हमारे जितने भी आर्टिस्ट व्यूवर्स हैं हमारे, वो सभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जरूर आपसे इंस्पायर तो होंगे ही। और एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये कला बिंदु में आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया और अपनी कुछ पेंटिंग्स आपने रखी थी, तो कैसा महसूस हुआ ये प्लेटफॉर्म? ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और कला बिंदु एक स्टोर भी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप अपना आर्ट वर्क अपलोड करके उसको सेल भी कर सकते हैं। मेरा भी स्टोर है अवनीश विश्वकर्मा के नाम से, और चूंकि मैं थोड़ा अभी हाल ही में अपडेट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जल्दी अपनी सारी चीजें उसमें अपलोड करूंगा, अपडेट करूंगा उस पे अपने उसको पेज को। तो कला बिंदु भागलपुर के आर्टिस्टों के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि बाहर के कलाकारों को इनवाइट करती है और बच्चों को सिखाने का और एक बढ़िया मंच दिलवाने का प्रयास करता है। और चांद जी उसमें हमेशा तत्पर रहते हैं हमेशा लोगों को, और इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सबसे बड़ी चीज कि इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। और आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं आर्ट के जो छात्र हैं और जो स्टूडेंट हैं जो कला बिंदु से जुड़े हुए हैं, उनकी उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? काफी सारे बच्चे उस टाइम जब आए थे हम वहाँ पर, तो काफी सारे बच्चे थे जो बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड थे आर्ट के क्षेत्र में। आर्ट का क्षेत्र ऐसा है कि जितना भी जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो उतने ही जल्दी सीख सकता है और उतने ही सक्सेस भी होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बच्ची थी जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट से थी, उनका काम बहुत अच्छा था और डांस का भी प्रोग्राम करवाया था, डांस कंपटीशन भी करवाया था और एक पोएट्री कंपटीशन भी था शायद। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारे कंपटीशन भी करवाते हैं जिससे नए नए कलाकारों को उभरने का मौका मिलता है। इसके लिए शानु जी बधाई के पात्र हैं जी, हमारी तरफ से भी बधाई उनको। और एक प्रश्न और आपसे कि कला बिंदु से आप जुड़े रहना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल पसंद करेंगे। कला बिंदु एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आगे ग्रो कर रहा है और नए नए कलाकारों को आगे बढ़ने का एक मौका देता है। हाँ अविनाश जी, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने कहीं पढ़ा था कि आप डायरी मेंटेन करते थे और उसकी प्राइवेसी बनाए रखना चाहते थे, और आपने कुछ बोर्ड वर्ड का तैयार कर लिए अपने खुद के, तो ये क्या कहानी थी, कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे आप? ये कहानी एक्चुअली 2012 से स्टार्ट हुई थी, जब 2012 में हम कुछ चीजें जैसे कि प्राइवेट होती हैं या कुछ भी होता है जिसे हम मेंटेन करना चाहें अपने जीवन के, हाँ जीवन के हालात हैं या कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसे हम किसी को पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए पहले इंग्लिश में लिखते थे हम, डायरी मेंटेन करते थे। उसके बाद लिखा, दोस्त लोगों को देखते थे वो पढ़ लेते थे, उसके लिए हमने एक अच्छा एक नया प्रयोग सोचा कि क्यों ना एक अपनी एक कोडवर्ड की लैंग्वेज बनाई जाए जिससे कि हम अपनी चीज़ें संभाल के रखते हैं। बहुत सुंदर बात था। उस हिसाब से हमने एक कोडवर्ड ढूंढना स्टार्ट की, तो ये लगभग 2015 से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला, और 2018 तक हमने इसमें काफ़ी संशोधन किए और इसको डिजिटली भी है, ये मतलब कि ये लैंग्वेज ऐसी है कि आप मोबाइल से भी टाइप कर सकते हैं, टाइपराइटर से भी टाइप कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी टाइप कर सकते हैं। जी बहुत अच्छी बात। और नॉर्मली पेन से भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हाल ही में सीक्रेट चीजें हमारी उसी भाषा में लिखी जाती हैं। अच्छा अच्छा, आपके एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, कभी स्टेपल पिन, कभी कील, कभी सूर्य की किरण, सब टेक्निकल। तो अभी आपका कुछ नया क्या चलने वाला है, प्लानिंग आपकी अभी नया? जी
नया तो अभी फिलहाल चल रहा है, एक 3D प्रोजेक्ट है जो कि लोहे लोहे से बनाया जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मतलब वो ऐसा होगा कि लगभग 50 फीट या 100 फीट दूर से उसमें एक पोर्ट्रेट दिखेगा किसी सम्मानित व्यक्ति का, और पास से जाने पर उसमें कुछ नहीं दिखेगा, केवल और लोहे की आयरन और पतली पतली दिखेंगी बस। उस पे काम चल रहा है अभी और कोशिश करेंगे कि जल्द ही आप लोगों के सामने रखें उसे। बिल्कुल, इंतजार है हम सभी को, कला बिंदु को और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब आपको देखना चाहते हैं नए आर्ट के साथ। और क्या आप ये जितनी भी कलाकृतियां बना रहे हैं, क्या आप उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी हर एक कलाकृति की अनोखी होती है। मतलब पहले हम कोई चीज बनाते हैं तो उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसके बाद ही एक निष्कर्ष निकालते हैं जिस पर चित्रण करते हैं। जी अनोखी तो होती है कि हमने भी देखा और सभी देख रहे हैं। जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, हर क्षेत्र में आपके लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सबसे खुशी जी की जी बात बहुत ये। बहुत धन्यवाद जी। और अब आखिरी प्रश्न ये करेंगे कि कोई ऐसा रोचक प्रसंग बताइए, आपको इतने अवार्ड मिले, राष्ट्रीय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, काफी ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं, काफी ऊंचाइयों तक। तो इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आपको टच कर गई होगी, कुछ वाक्य? 2017 में जब पहली बार हमने एक लकड़ी का पोर्ट्रेट बनाया, तो हाँ जी, वो हमारे बड़े भैया हैं नरेंद्र राजपूत जी, तो उन्होंने कहा कि कुछ अपने ही वर्क में ट्राई करो तो हम तुमको एक मंच दिलवा सकें। तो 2017 में वो वाक्य ऐसा था कि जब हमने पहली बार एक पोर्ट्रेट बनाया था स्वामी ब्रह्मानंद जी का। स्वामी अच्छा ब्रह्मानंद जी हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत सारा किया है। अच्छा उन्होंने एक कॉलेज खोला है जिसे हम लोग पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, जी और वो हमारे क्षेत्र की एक महान विभूति हैं। तो उनका ही एक पोर्ट्रेट बनाया और उनके ही कॉलेज में हमने वो गिफ्ट किया। सब लगा कि हाँ इस क्षेत्र में भी सम्मान है और प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, लोग जानते हैं पहचानते हैं। तब एक ऐसा अविस्मरणीय पल था कि आप भूल नहीं सकते। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। आप वैसे किन से इंस्पायर हैं? ज्यादातर हमने 2007 से लगभग बहुत ज्यादा टीवी देखते थे और टीवी में केवल डिस्कवरी देखते थे, तो अच्छा जी वैज्ञानिक प्रक्रिया वाली चीजें उसमें देखते रहते थे, तो वहीं से साइंटिस्ट बनने का एक भूत सवार हो गया। उसके जज्बा, बाद फिर जज्बा। जी, उसके बाद फिर वही चीजें एक्सपेरिमेंट में आने लगी और तरह तरह के प्रयोग शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो सिलसिला आगे 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 बढ़ता बढ़ता चले गया गया। जी। हाँ, और फिर जब कलाकार के लिए जुनून बहुत जरूरी, और ये जब तक नहीं रहेगा, लगन नहीं रहेगी, तो आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात तो तय है। तो बहुत खुशी हुई अविनाश जी आज आपसे बातें करके, और हमारे व्यूवर्स भी बहुत खुश हो रहे हैं आपको देखकर, और इतने अच्छे कलाकार से मिलके, और इतनी ही सौम्यता आप में। तो कोरोना का समय है, आप अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बिल्कुल ख्याल रखें। तो आखिरी में चलते चलते हम यही कहेंगे, कला बिंदु की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, आप आगे बढ़े और हमारे साथ जुड़ते रहें इस मंच पर। दुआओं जी, में बिल्कुल हमारे, मैम आपके लिए एक शेर फिर से, दुआओं में हमारे एतबार रखना, दिल में ना अपने कोई मलाल रखना, देना चाहते हो घर खुशियां हमें, आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको, और बहुत 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 धन्यवाद मैम, इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।